हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अदर वीडियो। सो गाइज, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब के 5 न्यू फीचर के बारे में। दोस्तों, ये जो नए फीचर्स हैं ये बहुत ही कमाल के हैं। यहाँ पे आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल है हम सभी लोगों के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये सारे फीचर को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहला फीचर जो है वो बहुत ही कमाल का है और ये है सीसी को लेके। सीसी मतलब आप जानते ही होंगे, क्लोज्ड कैप्शनिंग। ये दोस्तों एक फीचर है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इसके हेल्प से हम लोग करते क्या हैं, जैसे कोई भी वीडियो हम लोग किसी भी लैंग्वेज में देख रहे हैं और अगर वो यूट्यूब क्रिएटर कोई और भी लैंग्वेज सीसी में डाला होगा तो हम लोग अगर सीसी को एनेबल करते हैं तो वहाँ पर हम लोग को वो दूसरी लैंग्वेज में भी सब टाइटल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, बट अब इस चीज़ में अपडेट ये हुआ है कि ये जो सीसी को हम लोग एनेबल करते थे ये 3 डॉट पे जाने के बाद होता था, बट दोस्तों अब इस अपडेट के बाद ये जो नया फीचर है उसमें होगा क्या, हम लोग के वीडियो पे जैसे ही हम लोग टच करते हैं तो टॉप पे ही दोस्तों आई कार्ड जैसे होता था उसी के बगल में ये सीसी का एक ऑप्शन आ गया है और इसके हेल्प से हम लोग क्लिक करके सीसी को एनेबल कर सकते हैं। अगर यूट्यूब क्रिएटर कोई भी लैंग्वेज का सबटाइटल डाला होगा तो सीसी एनेबल हो जाएगा, बट अगर कोई भी वहाँ पे सबटाइटल नहीं होगा तो लिख के आएगा अनअवेलेबल। तो ये एक छोटा सा फीचर आया है जो बहुत ही मुझे कमाल का लगा, क्योंकि ये जो क्लोज्ड कैप्शनिंग है ये अब आप डायरेक्ट एक क्लिक पे एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। एंड दोस्तों, जो दूसरा फीचर है वो है ऑटो प्ले का फीचर। जैसा कि ये जो मैंने आपको सीसी वाला बताया, अब इसी के बगल में ऑटो प्ले का एक फीचर आ गया है। पहले क्या होता था, हम लोग कोई भी वीडियो यूट्यूब में देखते थे उसके बाद जो नेक्स्ट प्ले होती थी वो 3 या 4 काउंटडाउन सेकंड के बाद स्टार्ट होती थी, बट दोस्तों अब इस फीचर के बाद होगा क्या कि हम लोग कोई भी वीडियो अगर देख रहे हैं तो स्टॉप पे ही हम लोग को एनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन आ जाएगा ऑटो प्ले का। अगर हम लोग चाहें तो ऑटो प्ले को एनेबल कर सकते हैं। उसे होगा क्या, जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो अपने आप प्ले हो जाएगी। अगर हम लोग ऑटो प्ले को डिसेबल कर देते हैं तो उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं चलेगी, वो वीडियो सिंपली वहाँ पे एंड हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर आया है हमारे YouTube में। और दोस्तों, ये सारे जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके थ्रू हमारा जो YouTube प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा भी लगेगा। तो ये सारे फीचर बहुत ही कमाल के हैं जो YouTube हम लोग को हमारे वीडियोज़ के सामने ही प्रोवाइड कर रहा है। एंड दोस्तों, जो थर्ड फीचर है वो है गेस्चर्स को लेके। जैसा कि आप सबको पता है हमारे मोबाइल में बहुत सारे गेस्चर्स होते हैं, उसी के तरह अब हम लोग को यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे गेस्चर्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों स्वाइप अप स्वाइप डाउन ये सारे जो होते हैं, डबल फिंगर, जैसे कि हम लोग को लैपटॉप में भी ये जो टच सेंसर होता है वहाँ पे भी हम लोग को ये गेस्चर्स देखने को मिलते हैं, इसी तरह अब हम लोग को हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी इस फीचर के बाद गेस्चर्स देखने को मिलेंगे। इसके हेल्प से हम लोग कर क्या सकते हैं, जैसे हम लोग को कोई भी वीडियो देखना है और वो वीडियो को हम लोग को अगर फुल स्क्रीन करना होता था तो हम लोग वो जो एक स्क्वायर होता था उस पर क्लिक करते थे और उसके हेल्प से हमारी जो वीडियो होती थी वो बड़ी हो जाती थी, या कुछ स्मार्टफोन में हम लोग को ऑटो रोटेशन ऑन करना पड़ता था। बट दोस्तों, अब इस अपडेट के बाद अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है फुल स्क्रीन में तो आपको सिंपली अपने वीडियो को स्वाइप अप करना है तो वो जो वीडियो है फुल स्क्रीन हो जाएगी, और जब आप स्वाइप डाउन करेंगे तो वो वीडियो वापस छोटे में आ जाएगी। तो एक बहुत ही कमाल का फीचर आया है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। एंड दोस्तों, जो फोर्थ फीचर है यूट्यूब का वो है दोस्तों बेड टाइम रिमाइंडर को लेके। दोस्तों, यहाँ पे यूट्यूब ने एक बेड टाइम रिमाइंडर लॉन्च किया है हमारे यूट्यूब सेक्शन में। यहाँ पे इस फीचर से होगा क्या, अगर आप कोई भी टाइम सेट कर देते हो, जैसे आप दिन भर यूट्यूब पे ही अपना टाइम देते हो तो अगर आपको कम टाइम स्पेंड करना है तो आप बेड टाइम रिमाइंडर को एनेबल कर सकते हो। उससे होगा क्या, जब आपका बेड टाइम रिमाइंडर सेट होगा तो उस टाइम पे आपका जो यूट्यूब है वो आपको रिमाइंडर देगा कि अब आपको फ़ोन रख देना चाहिए और अब आपको सो जाना चाहिए। तो ये बहुत ही कमाल का एक फीचर आया है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, तो इसका यूज़ आप कर सकते हो। एंड दोस्तों, जो फिफ्थ और लास्ट फीचर है यूट्यूब का ये है आई बटन को लेके। दोस्तों, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, बट उस टाइम पे कोई भी प्रूफ नहीं था, मतलब कोई भी आपको मैं ट्यूटोरियल नहीं दिखा पाया था। और दोस्तों, ये जो फीचर है ये आई बटन वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीसी और ऑटो प्ले का ऑप्शन आया है, वैसे ही
पहले इस अपडेट के पहले होता क्या था, हम लोग को आई बटन भी देखने को मिलता था, बट अब इसमें नया फीचर जो आया है वो थोड़ा अलग तरीके का है ये चारों फीचर से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए वो सब आपके वीडियो के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, बट ये जो फीचर है ये डिस्प्ले से हटाया गया है। ये जो आई बटन वाला फीचर है पहले हम लोग को डिस्प्ले पे दिखाया जाता था, मतलब हम लोग के वीडियो के पास दिखाया जाता था, बट दोस्तों अब इस अपडेट के बाद ये जो आई बटन वाला फीचर है उसको डिस्प्ले से हटा दिया गया है और इसको शिफ्ट कर दिया गया है थ्री डॉट के अंदर। यस दोस्तों, अब आपको अगर आई बटन के वीडियोस देखने हैं तो आपको अपने वीडियो के टॉप पे थ्री डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा आई बटन का, और वहाँ पे लिखा रहेगा फ्रॉम दिस चैनल, मतलब जिसका भी चैनल का नाम रहेगा। जैसे अगर आप मेरा कोई वीडियो देखते हो और आई बटन पे क्लिक करते हो तो आपको लिख के आएगा आई बटन का लोगो, फिर लिखा रहेगा फ्रॉम शिवाय शशांक। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उस मेरे जितने भी आई कार्ड्स लगे होंगे वो आपके सामने शो कर देगा। तो दोस्तों ये थे YouTube के 5 न्यू फीचर्स। आपको ये सारे फीचर्स कैसे लगे और कौन सा आपका फेवरेट है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूज़फुल वीडियोज़ अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।